हरी ओम बच्चों, आप सब कैसे हैं? पिछले सप्ताह के एपिसोड को देखकर और पांडवों में श्रेष्ठ गदाधर भीम से प्रभावित होकर कई बच्चों ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा। ऐसे हैं बापूजी के बच्चे, नहीं रहते कच्चे। बच्चों, बुद्धि का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। बिना कुशाग्र बुद्धि के हम जीवन में कोई महान कार्य नहीं कर सकते। बुद्धिमान व्यक्ति बड़ी से बड़ी मुसीबतों का भी अड़िग होकर सामना कर सकता है एवं उसका हल भी ढूंढ लेता है। पढ़ने वाले बच्चों की तो बुद्धि कुशाग्र होना बहुत आवश्यक है, वरना आप पढ़ाई में भी अच्छे अंक नहीं ला सकते। इसीलिए आज के सत्र की विशेषता रहेगी कि कैसे हम अपने आप को इंटेलिजेंट और बुद्धि को कुशाग्र बनाएं। बच्चों, क्या आपने बीरबल का नाम सुना है? हाँ, वही बीरबल जिनकी कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आज के बाल संस्कार में हम जानेंगे कि बीरबल को कुशाग्र बुद्धि कैसे प्राप्त हुई एवं उनकी कहानियां भी सुनेंगे। साथ ही आपको बता दें कि आपको आज का सत्र पूरे ध्यान से देखना और सुनना है, क्योंकि इसी सत्र पर आधारित एक प्रतियोगिता हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपको सत्र समाप्ति के बाद जो याद रहा और सबसे अच्छा लगा ऐसा बोलकर ऑडियो या वीडियो रूप में हमें भेजना है। जो सबसे अच्छा याद करके भेजेगा वो होगा आज के सत्र का बीरबल। तो चलो तैयार हो जाओ। आप में से कौन है बीरबल? सर्वप्रथम हम पंजों के बल कूदेंगे। पिछले बार आपको बताया गया था कि पंजों के बल कूदने से हमारे दोनों स्वर सूर्य और चंद्र बराबर चलने लगेंगे, जिससे मध्य नाड़ी सुषुम्ना का द्वार खोलने में मदद मिलती है और कूदने से आलस्य और निद्रा भी दूर हो जाते हैं। तो बच्चों, चलिए हम अब खड़े हो जाते हैं और कूदना शुरू करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग खड़े खड़े कुछ व्यायाम भी करेंगे। अब सभी बच्चे बैठ जाएं। कूदने से हमारे सांस की गति थोड़ी जल्दी चलने लगती है। धीरे धीरे सांसों को सामान्य अवस्था में आने दें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हों। मन को शांत करते जाना है। ओमकार का जप शुरू करते हैं। सभी की आंखें बंद रहें और आज्ञा चक्र में ध्यान। शरीर स्थिर। तो आइए हम ओमकार का गुंजन शुरू करते हैं। इस गुंजन से हमारे चारों ओर आध्यात्मिक ओरा का विकास होता है। हरि ओम।
बच्चों, अब भ्रू मध्य में तिलक अथवा हाथ की तीसरी उंगली से घर्षण करते हुए ओम गम गणपतये नमः और फिर हाथ जोड़कर ओम श्री सरस्वते नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः बोलेंगे। गणपति जी की स्तुति करते हैं। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कोटि सूर्यों के समान महातेजस्वी, विशाल काय और टेढ़ी सूंड वाले गणपति देव, आप सदा मेरे सब कार्यों में विघ्नों का निवारण करें। सद्गुरु, जो कि ब्रह्म स्वरूप है, अच्युत है, अविनाशी है, सर्व बुद्धियों के साक्षी हैं, सत्व रज और तम तीनों गुणों से रहित हैं, ऐसे श्री सद्गुरुदेव की हम प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्राणायाम। प्राणायाम शब्द का अर्थ है प्राण आयाम। प्राण अर्थात जीवन शक्ति और आयाम अर्थात नियमन। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को नियमन करने का कार्य प्राणायाम करता है। चलो बच्चों, अब प्राणायाम करते हैं। दोनों नथुनों से श्वास लो, दोनों से लो 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 खूब लो
एक बार हुआ, ऐसे दो बार करना है बस। फिर से लो, चार उंगली एक तरफ, अंगूठा दूसरे तरफ, नाक पकड़ो, दाहे नथुने से श्वास लो, बाहें बंद करो, और बाहें से धीरे धीरे छोड़ो, झटके से नहीं छोड़ना। छोड़ दिया, फिर दाहे नथुने को नाक से बंद रखो, बाहें से श्वास लो, लो लो लो, खूब लो खूब लो, फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाओ, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, आरोग्य शक्ति बढ़ेगी, रोको। फिर दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो, मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो, ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो, लो, बाएं बंद करो, दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो, मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो, ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो, लो, बाएं बंद करो, दाएं से छोड़ो। श्वासोश्वास की साधना। आज बच्चे करेंगे श्वासोश्वास की साधना, जो आपके अंदर विलक्षण शक्ति लेकर आएगी। अजपा मनुष्य के सब कोशों को पोषित करने वाला तत्व है। हमारे अंदर बहुत सारे कोशिकाएं हैं, कोश है, अजपा आप सबको पोषित करता है, पुष्ट करता है। श्वास अंदर गया और बाहर आया तो गिनती, क्योंकि श्वासोश्वास में मन लग गया तो इंद्रियां आपको खींचती है, मन उनके पीछे जाता है, बुद्धि उसके पीछे जाती तो आपका पतन होता है। लेकिन ओम स्वरूप ईश्वर के जप में अथवा सोहम में गए तो आपकी बुद्धि परमात्मा में गई, तो बुद्धि बलवान हुई, तो मन को नियंत्रित किया, मन ने इंद्रियों को नियंत्रित किया और इंद्रियां ने संयम बरता, तो आप महान पुरुष हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। सांस लेते हुए मन में बोले ओम, सांस छोड़े तो गिनती, सांस ले ओम, सांस छोड़े एक, सांस ले ओम, सांस छोड़े दो। इस तरह से पूज्य बापूजी के साथ एक मिनट तक, और फिर आप सभी बच्चे 51 तक श्वासों की गिनती करेंगे। ओम, 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 ओम। Oh.
अब हम श्लोक उच्चारण करेंगे जो आश्रम साहित्य हमारे आदर्श से संकलित है। उद्यमे न हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथेः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। इस श्लोक का अर्थ है, उद्यमशील के ही कार्य सिद्ध होते हैं, आलसी के नहीं। कभी भी सोए हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करते। बच्चों, क्या आपको पता है बीरबल की बुद्धि इतनी कुशाग्र कैसे हुई? बीरबल को बचपन में ही सारस्वती मंत्र की दीक्षा मिल गई थी और वो प्रतिदिन मंत्र जप किया करता था। तो चलो बच्चों, हम अकबर और बीरबल की एक कहानी सुनते हैं। आओ सुने कहानी बीरबल की कुशाग्र बुद्धि। एक बार बीरबल से द्वेष करने वाले अन्य मंत्रियों ने उसे नीचा दिखाने का षड्यंत्र रचा। सभी मंत्रियों ने जाकर अकबर से कहा कि जहां बना आप व्यर्थ में ही बीरबल को हम लोगों से ज्यादा मान देते हैं। अकबर ने कहा, बीरबल के जैसी बुद्धि तुम लोगों की हजार जन्मों में भी नहीं हो सकती है। वो रोज मंत्र जप करता है, ध्यान करता है और अपनी कुशाग्र बुद्धि के द्वारा कई पेचीदा समस्याएं तुरंत हल कर देता है। अकबर की ये बातें मंत्रियों को हजम नहीं हुई। उन सब ने मिलकर कहा, आप ऐसा बोलते हैं पर पहले उसकी परीक्षा तो ले लीजिए। अकबर तैयार हो गया और सबने मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार अकबर ने घोषणा करवा दी कि हम सभी दरबारियों से बहुत खुश हैं, अतः कल सभी दरबारियों को इनाम दिया जाएगा। सभी इनाम एक कमरे में रखे होंगे, जो चाहे अपनी मर्जी से मन चाही चीज ले सकता है। दूसरे दिन सभी दरबारी बहुत पहले पहुंच गए। सभी ने जल्दी जल्दी इनाम उठा लिए और बीरबल के लिए मात्र एक साधारण थाली ही बचाई। बीरबल जब पहुंचे तो सभी दरबारी हंस पड़े और बीरबल कमरे में गए और थाली लेकर वापस आ गए। पूर्व योजना अनुसार अकबर व दरबारी बीरबल पर कटाक्ष कर हंसने लगे। तब बीरबल ने आज्ञा चक्र में ध्यान किया, सारस्वती मंत्र का थोड़ा मानसिक जप किया और वो भी हंस पड़ा। उसकी हंसी देखकर सभी स्तब्ध रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल तुम क्यों हंस रहे हो? हम तो तुम्हारी लाचारी पर हंस रहे हैं। मैं भी आपकी लाचारी पर हंस रहा हूँ। आपके राज्य में इतनी कंगालियत है, मुझे पता ही न था। आज पता चला कि आप में कितना झूठा दंभ है। कहीं खाली थाली भी कोई इनाम में देता है? बीरबल ने जवाब दिया। ये सुनकर अकबर को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपने खजांची से कहा, इसकी थाली हीरे जवाहरातों से भर दो। बीरबल की थाली
हीरे जवाहरातों से भर दी गई। बीरबल ने अपनी बुद्धि के बल से सबसे कीमती उपहार पाया। सारे दरबारियों का मूल लटक गया। बीरबल को नीचा दिखाने की चाल में मंत्रियों को खुद ही नीचा देखना पड़ा। सीख। इससे हमें क्या सीख मिलती है? किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को हताश निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानकर गुरु मंत्र व भगवत ध्यान का सहारा लेना चाहिए। अच्छी लगी ना कहानी? हाँ, बहुत अच्छी। कहानी पर हम आपसे अंत में प्रश्न भी करेंगे। उन्नति की उड़ान। बच्चों, जीवन में उन्नति करना आवश्यक है ना? तो चलो जानते हैं कि हम जीवन में कैसे उन्नति कर सकते हैं पूज्य बापूजी के श्री वचनों से, जो हमारे आश्रम साहित्य सत्संग अमृत से संकलित है। अगर दुनिया की सब संपत्ति खर्च करके भी सत्संग मिलता है तो भी सस्ता है। सत्संग से जो सुधार होता है वो कुसंग से थोड़े ही होगा। सत्संग से जो सन्मति मिलती है वो भोग संग्रह से थोड़े ही मिलेगी। तो बच्चों, समझ आया? अगर जीवन में उन्नति चाहिए तो सत्संग को अपने जीवन का सबसे प्रमुख अंग बनाना। इसी से संबंधित हम आपके लिए दो साखियां भी लेकर आए हैं। साखी संग्रह। गुरु सब देवों के देव हैं, गुरु सम ना ही दूजा, गुरु आज्ञा में चलना ही भक्ति कर्म और पूजा। नित सारस्वत मंत्र जाप से खुलते बुद्धि के पट, विद्या यश कीर्ति बढ़े दुर्गुण दोष हो चट। पूज्य बापूजी के जीवन प्रेरक प्रसंग, संतों के सद्गुण ले लो। बच्चों, अब हम पूज्य बापूजी के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग श्रवण करेंगे, जो संत मिलन संस्मरण साहित्य से संकलित है। इसका शीर्षक है संतों के सद्गुण ले लो। ईश्वर प्राप्ति के बाद हम जब अहमदाबाद में आए और मोक्ष कुटीर बनाया, तब पड़ोस में एक महाराज रहते थे। मेरे पास बहुत लोग आते थे, ये देखकर उन्हें ईर्ष्या के कारण तकलीफ होती थी। वे अपशब्द बोलते थे तो उन्हें ही अशांति हो जाती थी। रात्रि को उन्हें नींद भी नहीं आती थी। फिर वे अपने चेलों को भेजते, याशाराम को बुलाओ। मैं शिवलाल काका को साथ लेकर उनके पास जाता। काका को कहता कि आप महाराज के सिर पर मालिश करो और मैं पैरों की मालिश करता हूं। मालिश के कारण उन्हें नींद आ जाती, वे सुख से सो जाते थे। फिर कभी मैं नारायण को भेजता कि महाराज के लिए फूल फल मिठाई ले जाओ। यह सद्गुण मैंने ऋषि दयानंद जी से चुराया था। मैंने सुना था कि ऋषि दयानंद जी का यश देखकर कोई साधु उनको गालियां देता था, परंतु ऋषि दयानंद जी बदले में उन्हें फल फूल और मिठाई भेजते थे। तो उनका यह सद्गुण मैंने चुरा लिया। इससे मुझे बहुत लाभ हुआ। वे महाराज जब संसार से विदा हुए, तब भी मैं उनके आश्रम में गया और उनकी अंत्येष्टि कैसे करनी चाहिए इस विषय पर उनके भक्तों को मार्गदर्शन दिया तथा व्यवस्था करके अंतिम दर्शन के लिए अर्थी निकलवाई। अर्थी को कंधा भी दिया और उसे अपने आश्रम में भी लाया। मेरे गुरुजी के भी सद्गुण मैंने बहुत चुराए। गुरुजी सत्संग में कहा करते थे कि एक महात्मा रास्ते से जा रहे थे तो कॉलेज के लफंगे लड़कों ने महाराज का खूब मजाक उड़ाया। दूसरे कुछ अच्छे लड़के महात्मा के पास गए और बोले, महाराज, ये लड़के आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो आप इन्हें शाप नहीं देना, इन पर नाराज नहीं होना, आखिर बच्चे हैं ना, अकल के कच्चे हैं। महाराज ने कहा, इन्होंने तो मजाक किया परंतु मैंने उसे लिया ही नहीं। मुझे इनका माल पसंद ही नहीं आया तो मैंने लिया ही नहीं। उनका यह सद्गुण मैंने चुरा लिया। तो मेरे लिए भी कभी कोई कुछ बोलता है तो मुझे यह बात याद आती है कि मैं उनका खराब माल क्यों लूं। तो बच्चों, आपके लिए भी अगर कोई गलत बोले या बुरा सोचे तो आप उनके लिए अच्छा ही सोचना। आओ अब हम सब पूज्य बापूजी के साथ कीर्तन करते हैं।
अब बारी है गतिविधि की। इस बार की गतिविधि है भगवान के 11 अवतारों को जानना। प्रत्येक बार आपके सामने एक अवतार का वर्णन आएगा और शब्द समूह से सही का मिलान करना है। पहले उदाहरण से समझें। ब्राह्मणों को क्षत्रियों के अत्याचार से मुक्त किया, परशुराम। चलो तैयार हो जाएं भगवान के अवतारों को जानने के लिए। एक हमने उदाहरण से ढूंढे, बाकी 10 आपको ढूंढने हैं। प्रत्येक के लिए 20 सेकंड दिए जाएंगे। पहला, रसातल में गई पृथ्वी को निकाला। दूसरा, ब्रह्मा विष्णु महेश का अंशावतार। तीसरा, समुद्र मंथन में मंदराचल को पीठ पर उठाया। चौथा, समुद्र से अमृत लेकर प्रकट हुए। पांचवा, देवताओं को अमृतपान कराया। छठा, हिरण्यकशिपु का अहम मर्दन किया। सातवां, 3 पग भूमि मांगकर राजा बलि का उद्धार किया। आठवां, मर्यादा पुरुषोत्तम। नौवां, यदुवंश में प्रकट हो पृथ्वी का भार उतारा। दसवां, सिद्धों के स्वामी के रूप में सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। दसवां,
सत्संग। अब हम पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सत्संग श्रवण करेंगे, जिसमें पूज्य बापूजी ने बताया है कि कैसे हार गए अकबर और उसकी बेगम बीरबल की चतुराई के आगे। नारायण हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवा। भगवान के नाम में ज्ञान भी है, बल भी है, सामर्थ्य भी है, विवेक भी है। मनुष्य की मांग का नाम है परमात्मा। मनुष्य यश चाहता है कि नहीं चाहता? चाहता है। स्वास्थ्य चाहता है कि नहीं चाहता? चाहता है। विवेक चाहता है कि नहीं चाहता? चाहता है। आनंद चाहता है कि नहीं चाहता? चाहता है। माधुर्य चाहता है कि नहीं चाहता? चाहता है। मुक्ति चाहता है कि नहीं चाहता है? बंधन कोई चाहता है क्या? नहीं। बस जिसमें मुक्ति है, माधुर्य है, यश है, विवेक है, आनंद है, उसी का नाम परमात्मा है। और वही तुम्हारा आत्मा होकर बैठा है। रात को नींद में चले जाते हो तो इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि जीवत्व में, जीवत्व परमात्मा में आता है। कितना सुबह शांत होते हो, कितनी फ्रेशनेस होती है। आपको हीरे मिल जाए, मोती मिल जाए, जवाहरात मिल जाए, प्रमोशन का लेटर मिल जाए, लेकिन सब कुछ सिराने रख कर आप नींद में चल जाते। क्यों? कि आराम इन सब से ऊंचा है। ये आप सबका अनुभव है। वो आराम कौन देता है? हीरे मोती देते? प्रमोशन का लेटर आराम देता है आपको? नो। अगर एक दो दिन आप लगातार नींद ना करें तो आप तीसरे दिन काम करने के लायक नहीं रहते, नालायक हो जाते हम लोग। तो रोज जो हमारी लायकत बरकरार रखता है, उसी का नाम भगवान, उसी का नाम अल्लाह, उसी का नाम गॉड, उसी का नाम प्रभु। इसीलिए मुझे ये मंत्र विशेष प्यारा लगता है कि ओम माना अखिल ब्रह्मांडों को जो व्याप रहा है, नमो माना उस सत्ता को, परमेश्वर को हम नमन करते हैं। भगवते जो कृष्ण का, शिव का, राम का, नरसिंह का, वामन का रूप धारण करते, वो भी पूरा का पूरा सब में बसा है। जैसे सागर की कोई बड़ी तरंग, कोई छोटी तरंग, फिर भी सागर में पूरा पानी भरा है, ऐसे ही भगवानों के अवतार होते हुए भी सब में, तुम में, हम में जो बसा है, उस परमात्मा का चिंतन मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोलोगे तुम? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 प्रीति देवाय, प्रीति देवाय, माधुर्य देवाय, आनंद देवाय, भक्ति देवाय, प्रीति देवायो। एक बात कहूँ, इन्होंने छोटी दीकरियों ने बात कहूँ, तुमने बात कहूँ, एक तुमने भगवान ने गलगलिया था, एवं करो भगवान ने गलगलिया था, एवं करो ना, तुम्हें ना करी सको। अरे भगवान तो यशोदा ने गलगलिया करे थे, तुम्हें भगवान ने गलगलिया करो। चलो, यत् कृते मनुष्य तन्न शक्य सुरासुर, जो मनुष्य कर सकता है वो सुर असुर नहीं कर सकता है। मनुष्य भगवान का मित्र बन सकता है। मित्र गलगलिया करे कि ना करे? मनुष्य भगवान का सेवक बन सकता है, सखा बन सकता है, स्नेही बन सकता है, भक्त बन सकता है, भगवान का माई बाप बन सकता है, भगवान का गुरु बन सकता है, भगवान को चेला बना सकता है। और चेले का भी चेला बनाने की ताकत मनुष्य में है कि भगवान को चेले का चेला बनाए। तो सांदीपनी की कथा थी ना, हजारों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सारस्वती मंत्र लिया, उनके जीवन में चमक आ गई, ओजस्वी तेजस्वी आ गए, जो पहले बेचारे ना हिम्मत आ गई। उद्यम साहसम धैर्यम, उद्यम साहसम धैर्यम, बुद्धि शक्ति पराक्रम, बुद्धि शक्ति चढ़ेते यत्र वर्तन्ते, चढ़ेते यत्र वर्तन्ते, तत्र देव सहायकृत, तत्र देव सहायकृत।
उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति और पराक्रम ये छह गुण जहाँ हैं वहाँ देवता परमात्मा देवता कदम कदम पे सहायता करता है। बीरबल इतना बुद्धिमान बन गया, माँ ने उसको सारस्वती मंत्र दिलाया था और 12 साल की उम्र में बीरबल पान का गल्ला भी चलाता था घर का गुजारा चलाने के लिए और पढ़ता भी था। बीरबल के पास अकबर का खोजा आ गया, बोले क्यों लड़के पाव भर चूना मिलेगा? बीरबल रोज जप करता था जैसा गुरु ने बताया, तिलक करने की जगह पर बीरबल ने जरा सही देखा, बोले खोजा तुमने चूना कल पान में ज़्यादा डालने की लापरवाही की है और अकबर के मुंह में छाले पड़ गए हैं, तो पाव भर चूना मंगवा कर तुमको वहाँ खिलवा देगा और तुमको मृत्यु दंड देगा। बोले तोबा तोबा अब क्या करिए? बोले डरो मत। किसने बोला डरो मत? बच्चे ए बच्चे किसने बोला था डरो मत? बीरबल ने बोला डरो मत। 60 साल का खोजा और 12 साल का बीरबल, बीरबल बोलता है डरो मत। तो क्या करिए? मेरे को चूना खिलाएगा मैं मर जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, युक्ति से मुक्ति होती है। मैं घी लाया हूं 2 सेर, पाव भर घी मेरे से ले जाओ, पाव भर घी पीकर राज दरबार में जाना और वो तुमको चूना खाने को कहने और तुम जैसे मक्खन खाते से चूना खा लेना, क्योंकि घी को चूना मारता है, चूने को घी मार जाता है, खोजा जिंदा रह जाता है। खोजा ने ऐसा ही किया, जब राज दरबार में गया तो अकबर ने आंखें दिखाई, ना चीज कहीं के बदतमीज लापरवाह कुत्ता, तत्पर तो दुश्मन भी अच्छा और लापरवाह तो दोस्त भी खतरनाक होता है, देख कैसे छाले पड़ गए। ए सिपाही बालक और तलवार की नोकों सामने धर दो, अगर चूना नहीं खाता है तो भोंको इसको तलवार की नोके और बाले मार डालो इसको। बोले नहीं जहां पर ना मैं तो खाता हूं। चूना पाव भर खा गया। अकबर ने आंखें दिखाते हुए कहा जाओ घर पर मरो। 2 दिन के बाद खोजा अकबर की दरबार में हाजिर हो गया। अबे तू जिंदा कैसे? बोले चूने को घी मारता है, घी को चूना मारता है। लंबी लंबी दाढ़ी थी खोजे की, चूने को घी मारता है, घी को चूना मारता है, खोजा जिंदा रह जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खोजा जिंदा रह गया सुभान अल्लाह। बोले अबे ये कैसे जाना? बोले वो 12 साल का बीरबलिया है, पान का गल्ला चलाता है, गरीबी मिटा अपना पढ़ाई भी करता और माँ बाप के लिए गरीबी मिटाने के लिए धंधा भी कर लेता है। मैंने जाकर चूना मांगा और उसने जरा सा वो सारस्वती मंत्र लिया होगा किसी गुरु से, वो मंत्र जपता है उसका तीसरा नेत्र ज्ञान जिसको अभिविज्ञानी पीनियल ग्रंथि बोलते, वो उसका सेंसिटिव हो गया, जग गया, तो तुम्हारी हमारी बात जान ली और मेरे को आइडिया दे दी, चूने को घी मारता है, घी को चूना मारता है। अबे सच कहता है? बोले जहाँ पना हाथ कंगन को आरसी क्या? बाइज्जत बीरबल को लाया जाए मंत्री। बीरबल आए, बेटा ऐसी ऐसी बात है। हाँ के राजन ऐसी बात, मैं तुमसे सवाल पूछूं जवाब दोगे? बोले हाँ। वर्ष में मैंने कितने होते हैं? बीरबल, बीरबल ने कहा वर्ष में मैंने 12 होते। बोले एक विफल हो गया तो कितने बचते? बोले आपके मंत्रियों को पूछो, मंत्रियों ने बोला 11, किसी ने बोला 8 और 3, किसी ने बोला 5 और 6। बीरबल तुम बताओ कितने बचते? बोले जहाँ पना जब पूछते हैं तो वर्ष में महीना एक चला गया तो 11 बचे, ये तो बेवकूफ लोग भी जानते, आप तो पूछते हैं रहस्यमय बात, एक चला गया व्यर्थ तो सभी व्यर्थ हो गए। वर्ष में 12 महीना होता है, सावन को नहीं बरसे तो किसान के लिए 12 महीना व्यर्थ हो गए, उस जमाने ट्यूबवेल नहीं थे। शाबाश है, आफरीन है, 12 साल का बच्चा लेकिन बड़े बड़े बुजुर्गों का नाक काट के रख दिया, शाबाश। अच्छा ऐसा कौन सा प्राणी है जो सोता है और आँख खुली रखता है? बोले मछली। ऐसा कौन सा इन जीव है जो पैदा होता है, न खाता है न पीता है न बोलता है न चलता है न हलता है न देखता है न सुनता है न कुछ भी करता है फिर भी जिंदा है, ऐसा कौन सा जीव है? बोले जहाँ पर नहीं तो बहुत साधारण बात है। बोले बताओ कौन सा जीव है? वो मंत्री सारे यूँ टकुर टकुर देखने लगे कि ये साधारण बात बोल रहा है 12 साल का बच्चा। बोले हाँ हाँ ये बहुत साधारण बात है, पहले मंत्रियों को पूछो। मंत्री सिर खुजलाने लगे, आखिर बीरबल को बोला तुम ही बता दो। बोले अंडा, जिंदा है, खाता है न पीता है न बोलता है न चलता है न कुछ भी करता है फिर भी जीव है जिंदा है। हो ऐसे जो जो सवाल बीरबल से पूछे, बीरबल सारस्वती मंत्र की दीक्षा लेकर इतना बुद्धिमान हुआ कि आजीवन पर्यंत अकबर की राज दरबार का एक विशेष विशेष नवरत्नों में विशेष रत्न होकर चमका।
लेकिन अच्छे आदमियों के पीछे कुछ घिसा पिटा लिखने बोलने वाले होते ही रहते हैं। ये तो अनादिकाल की परंपरा है। तो कुछ मंत्री आपस में इकट्ठे होकर, मैं इधर घूम रहा हूँ क्यों कि कैबिन में बैठता हूँ तो सामने वालों को दर्शन होता है, लेकिन साइड वाले इतने सारे हूँ यूं यूं करते, इसलिए मैं ही यूं यूं कर रहा हूँ। तुमको अच्छा लगता है ना? बालकों नहीं साथ है, बालक थे ने करवानू। जय श्री कृष्णा। हाय हाय। गलगलिया था है कि ना था है? श्री कृष्ण भी करते थे। मैं कृष्ण की कथा बताऊंगा आपको, लेकिन तुम बुद्धिमान बनो, इसीलिए एक बात और भी पक्की करो। सब मिलकर क्या करते हैं कि बेगम को, बेगम के भाई को हाथ पे लिया कि कैसे भी करके बेगम का तो राजा मानते हैं, बेगम को बोलो कि बीरबलिया को हटा दे और तेरे को बीरबलिया की जगह पर मंत्री, विशेष मंत्री के पद पर रखेंगे। तो अपनी बहन का सिर खपा गया कि बीरबलिया को हटवा। वो बेगम रोज बोलती कि बीरबल को हटाओ, बीरबल को हटाओ। अकबर ने बोला कि बीरबल को हटाएं तो कोई ठोस उसकी गलती भी हो, ऐसे कैसे हटाएं, बुद्धिमान आदमी को हटाएं तो हिंदू समाज में मेरी बदनामी हो जाएगी। बेगम ने कहा देखो मैं रूठ के बैठ जाती हूँ, गहने गांठे फेंक दिए, बाल बिखेर दिए, खाट ऊंधी कर दी, मैं रूठ कर बैठ जाती हूँ और बीरबल को बोलो कि मेरी बेगम रूठ गई है, जरा मना कर राज दरबार में ले आओ। औरतें वैसे ही राज दरबार में नहीं आती, तो मेरे को वो कैसे ला सकेगा? जब विफल हो गया आ जाए तो आप बोल देना कि इतना भी काम नहीं कर सका काफर, कहीं के जाओ, तुमको निकाल देते हैं। अकबर ने कहा ये बीरबल है, बचपन से सारस्वती मंत्र की दीक्षा लिया हुआ है, टेढ़ी खीर खाने की तू कोशिश मत कर। बोले मैं तो रूठ के बैठ जाऊंगी, स्त्री चरित्र में भी तो बल होता है, जहां पर ना आप देखिए ना क्या होता है। बीरबल की कसौटी हो जाएगी, अकबर ने भी ठान लिया। अकबर ने क्या ठाना कि जाकर बीरबल को कहा कि बेगम रूठ गई है, कैसे भी करके जल्दी से बेगम को मनाकर राज दरबार में हाजिर करो। बीरबल थोड़े से चौंके हैं, जरा सा शांत हुए, महल में चले गए और सारी बातचीत जो घटना हुई वो महल के दास दासियों से बीरबल ने जान ली। फिर उनको कुछ सिखा दिया और बेगम के पास खड़े हो गए। बेगम जी राजा साहब बुलाते हैं। तो बेगम, बीरबल इधर है, राजा साहब आपको याद कर रहे हैं, कृपा करिए तशरीफ फरमाइए। अब बीरबल बेगम को मना रहे, इतने में दास दासियां जो सिखा रखे थे दौड़ते हुए आए। बीरबल बीरबल बीरबल, जहां पना तुमको बुला रहे अकबर कि वो अफगानिस्तान की जो शहजादी है कितनी खूबसूरत है, और जितनी खूबसूरत है उतनी खूब समझदार भी है, उसके साथ मेरा निकाह करा लो, शादी करा दो, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ। अरे बोले वो तो लड़ाती भी नहीं है, रूठती भी नहीं, बहुत बढ़िया है, शहजादी नहीं है, वो तो परी है, परी है, मैं अकबर की शादी उसी से करवाता हूँ, इसको रूठी रहने दो, चल मेरे भैया। बीरबल आगे और वो पीछे, बीरबल बीरबल भैया, बीरबल बीरबल बीरबल, रुको 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 न बीरबल, रुको न बीरबल, काय को रुकता। बीरबल अकबर के दरबार में खड़ा हो गया, अकबर के सामने देखा कि तो पीछे पीछे आई, बाल खुले हैं, नंगे पैर हैं, पैर के अंगूठे को चोट भी लग गई है, जिसने गालीचे से पैर नीचे नहीं रखा वो नंगे पैर तू रांड इधर कैसे आ गई रे। बोले आप अफगानिस्तान वाली से शादी करोगे तो मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगी। अरे बोले कौन अफगानिस्तान वाले? बोले बीरबल आपको वहाँ शादी करवा रहा है। बोले बीरबल क्या बात है? बोले बात कुछ भी हो, इसको लाके खड़ी कर दी कि नहीं कर दी? अकबर बोलता है शाबाश है बीरबल,
तेरा काला मुंह बैगम को बोलते कैसे कैसे इसको बोलते प्रतिपन्ना मति, जो भगवत ध्यान करता है उसका यश और बुद्धि खिल जाता है। ज्ञानवर्धक चुटकुला। बच्चों, ज्ञानवर्धक चुटकुला सुनना है। एक बार एक अध्यापक ने छात्र से पूछा, राघव तुम बड़े होकर क्या बनोगे? राघव ने उत्तर दिया, सर मैं आपकी तरह शिक्षक बनूंगा। अध्यापक ने पुनः पूछा, बहुत अच्छे, तुम एक अच्छे और होनहार लड़के हो, लेकिन तुम शिक्षक ही क्यों बनना चाहते हो? राघव ने कहा, सर क्योंकि आपकी तरह मुझे भी अपने से छोटे बच्चों को पीटने में बहुत मजा आता है। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिली? हमें ये सीख मिली कि दूसरों के अच्छे गुण अपने में लाने चाहिए और दूसरों के दोषों की चर्चा भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। आओ करें गीता श्लोक का पठन। चलो बच्चों, श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों का पठन करते हैं। अनाश्रितः कर्म फलम् कार्यम् कर्म करोति यः, ससन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः, शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। अनाश्रितः कर्म फलम् कार्यम् कर्म करोति यः, ससन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अर्थात श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वो सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः, शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। अर्थात सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। पहेली। अब आ गया पहेली का समय। आपको सिर्फ 40 सेकंड मिलेंगे पहेली का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। आपस में ये मित्र बड़े हैं, चार पड़े हैं, चार खड़े हैं। इच्छा हो तो इस पर बैठो या फिर बड़े मजे से लेटो। अब हम स्वास्थ्य सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आपको याद है पिछले सत्र में हमने कौन सी स्वास्थ्य कुंजी सीखी थी? पिछली बार हमने सीखा था खांसी में तुरंत लाभ कैसे पाएं। बच्चों, वर्षा ऋतु ने दस्तक दे दी है, तो इस बार हम जानेंगे कि वर्षा ऋतु में हम कैसे अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। एक, वर्षा ऋतु में मंदाग्नि, वायु प्रकोप, पित्त का संचय आदि दोषों की अधिकता होती है। इस ऋतु में भोजन आवश्यकता से थोड़ा कम करोगे तो आम अर्थात कच्चा रस तथा वायु नहीं बनेंगे या कम बनेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भूल से भी थोड़ा ज्यादा खाया तो ये दोष कुपित होकर बीमारी का रूप ले सकते हैं। दो, बारिश के मौसम के उत्तर काल में पित्त प्रकुपित होता है, इसलिए खट्टी व तीखी चीजों का सेवन वर्जित है। तीन,
बारिश के पानी में सिर भिगाने से अभी नहीं तो 20 वर्षों के बाद भी सिर दर्द की पीड़ा अथवा घुटनों का दर्द या वायु संबंधी रोग हो सकते हैं। आरती। बच्चों, अब आरती की तैयारी करते हैं। आरती के बाद हम आपके लिए एक तोहफा लाएंगे जिसके 40 दिन के प्रयोग से आपकी बुद्धि विलक्षण हो जाएगी। शुरू करें आरती। हाँ जी, आनंद मंगल करो आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। आनंद मंगल करो आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। प्रेम धरी ने मारे मंदिरे पधारो, प्रेम धरी ने मारे मंदिरे पधारो। सुंदर सुखड़ा लेवा वाला, सुंदर सुखड़ा लेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतन जेने आंगणे तुलसी नो क्यारो, जेने आंगणे तुलसी नो क्यारो। चरणे गंगा यमुना रेवा वाला, गंगा यमुना रेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। संत मळे तो महा सुख पाऊं, सुख पाऊं। गुरु जी मळे तो मेवा वाला, गुरु जी मळे तो मेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। कहे प्रीतम जेने हरि छे सारियो। चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाहीं। दीन दयाल को बेनती सुना हो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओ, 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 ओ। साधक मांगे मांगना प्रभु दी जो मोहे दो, बापू हमारे स्वस्थ रहे आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओ, 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 ओ। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम,
ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब बारी है प्रश्नोत्तरी की। पहला प्रश्न, बीरबल ने अकबर की योजना पर कैसे सफलता पाई? दूसरा, बीरबल ने किसके बल से सबसे कीमती उपहार पाया? तीसरा, किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति निराश हो जाए तो क्या करना चाहिए? चौथा, अकबर ने खोजा को चूना लाने के लिए क्यों भेजा? पांचवा, बीरबल ने खोजा को जिंदा रहने के लिए क्या सलाह दी? गृह कार्य, होमवर्क। अब आपको बताते हैं इस सप्ताह का गृह कार्य। इस सप्ताह रोज आपने कौन सा अच्छा काम किया और कौन सा बुरा, वो अपनी नोटबुक में लिखना है, और जो बुरा काम किया है वो दोबारा नहीं करेंगे ऐसा संकल्प करें। सभी बच्चे प्रश्नों के उत्तर और गृह कार्य करके अपने बाल संस्कार के शिक्षक, शिक्षिका या बाल संस्कार सेवाधारी को भेजेंगे। विलक्षण लक्षण विकसित हो जाएं बुद्धि के। चलो बच्चों, अपूज बापूजी के श्रीमुख से सुनते हैं कैसे होगा हमारी बुद्धि का विलक्षण विकास। जो दूर दूर से आए हैं उनके लिए एक खास तोहफा, खास बढ़िया बात, 40 दिन ले गजब की बुद्धि सात्विक और विकसित हो, और शरीर के रोग बच्चों के लिए तो वरदान है। ये वरदान जो दूर दूर से आए हैं उनके लिए एक खास तोहफा, खास बढ़िया बात, विलक्षण लक्षण विकसित हो जाए बुद्धि के। क्या करें कि अपने घर के इर्द गिर्द तुलसियां लगा दे, एक तुलसी नहीं कई तुलसियां लगा दे। तुलसी के पौधे में विद्युत तत्व का बाहुल्य होता है, तो हवामान तो बढ़िया रहेगा, लेकिन फिर तुलसी के पत्ते इतने तोड़े जिससे 20 ग्राम रस बन जाए, घोट के थोड़ा पानी डाल के मिक्सी में घुमा घुमा के, और फिर थोड़ा फल के रस के साथ पपैया का टुकड़ा डाल दिया अथवा तो सेव डाल दिया अथवा तो च्यवनप्राश थोड़ा चम्मच भर के डाल दिया। ये बाजार च्यवनप्राश नहीं, अपना जो समिति वाले बनाते हैं सात्विक, तो तुलसी का रस फल के रस के साथ या च्यवनप्राश के रस के साथ 40 दिन ले गजब की बुद्धि सात्विक और विकसित हो, और शरीर के रोग बच्चों के लिए तो वरदान है। ये वरदान बड़ा भयंकर कल्याणकारी वरदान। और फिर गुरु मंत्र का जप करें, जिन बच्चों ने गुरु मंत्र लिया है अथवा जिन साधकों ने लिया है वो गुरु मंत्र जप करके वो दे। और इसमें भी भगवान सूर्य का थोड़ा मानसिक ध्यान कर ले, फिर उसमें नजर डाले। हे बुद्धि के अधिष्ठाता दे, मैं ये मिश्रण पीता हूँ, मेरे बुद्धि में ज्ञान का अद्भुत प्रकाश। 40 दिन करें, ये तोहफा है कि नहीं है? प्रतियोगिता, आप में से कौन है बीरबल? बच्चों, आज का सत्र आपको कैसा लगा
इस सत्र से आप क्या क्या सीखें, ये हमें आपको अपनी आवाज में बोलकर ऑडियो या वीडियो के रूप में रिकॉर्ड करके भेजना है। जिसको सबसे अच्छा याद रहेगा वो जीतेगा। आप में से कौन है बीरबल? मैं हूँ बीरबल। बच्चों, आपको आज का बाल संस्कार अच्छा लगा ना? अगले सप्ताह भी हम इसी दिन इसी समय मिलेंगे।